नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बेहद कम रहा बिहार का औसत मतदान प्रतिशत। बिहार में नदियों पर निगरानी के लिए स्पेशल सेल तैयार, 31 अक्टूबर तक करेगा निगरानी। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का आखिरी मौका, ऐसे करे आवेदन। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का बढ़ाया मान। दिवंगत पिता को याद कर भावुक हुए हरभजन सिंह, पुराने दिनों को किया याद। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को मिलेगा नया नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा, जिसकी तैयारी में शिक्षा विभाग जुट गया है। शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद उन्हें नए स्कूलों में पद स्थापित करेगा। बता दें कि 10 से 15 जून के बीच में शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू करा दी जाएगी। बता दें कि स्कूलों में योगदान के बाद सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा भी मिलेगा, इसलिए उन्हें नया नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। मालूम हो कि 1,87,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, जिनका पद स्थापन किया जाना है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 30 जून तक शिक्षकों का पद स्थापन कर उनके आवंटित जिले में उन्हें भेज दिया जाए। बेहद कम रहा बिहार का औसत मतदान प्रतिशत। जाने कहां पड़े सबसे अधिक मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 सात चरणों में आखिरकार समाप्त हुआ, तो वहीं इसके नतीजे कल यानी कि 4 जून को घोषित किए जाएंगे। बिहार में भी इस बार लोकसभा चुनाव सात चरणों में संपन्न हुआ, मगर तमाम प्रयासों के बावजूद इस साल बिहार में मतदान का औसत प्रतिशत बेहद ही कम देखने को मिला है। बिहार के मात्र 9 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का औसत प्रतिशत 60 से अधिक रहा, जबकि 4 ऐसे संसदीय क्षेत्र रहे जहां मतदान प्रतिशत 50 से भी कम देखने को मिले। 2019 की तुलना में इस बार सातवें चरण को छोड़कर बाकी 6 चरणों में मतदान फीसदी घटा है। सबसे कम मतदान नवादा संसदीय क्षेत्र में देखने को मिली, जहां मतदान फीसदी केवल 43.17 रहा, तो वहीं सबसे ज्यादा मतदान फीसदी कटिहार संसदीय क्षेत्र में 63.76% रहा। बिहार में नदियों पर निगरानी के लिए स्पेशल सेल तैयार, 31 अक्टूबर तक करेगा निगरानी। बिहार में नदियों की निगरानी के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा कंट्रोल रूम ने काम करना शुरू कर दिया है। इस बार भी पिछले साल की ही तरह 1 जून से 31 अक्टूबर तक बाढ़ की अवधि तय की गई है। नदियों पर स्पेशल सेल द्वारा 31 अक्टूबर तक 24 घंटे की निगरानी की जाएगी। स्पेशल सेल में 8-8 घंटे के शिफ्ट पर 3 दल काम करेंगे। बता दें कि नेपाल में होने वाले बारिश की वजह से बिहार के कई नदियों का जल स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे तटबंधों पर दबाव बनता है। ऐसी स्थिति में सही समय पर खबर मिलने से दबाव वाले क्षेत्रों में मरम्मत कर बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है, इसलिए नदियों पर निगरानी के लिए स्पेशल सेल का निर्माण किया जाता है। अतिथि शिक्षकों के आवेदन के लिए बीपीएससी खोलेगा विंडो। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत फिर आवेदन विंडो खोला जाएगा। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों के वेटेज को लेकर यह विंडो खोला जाने वाला है। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने बताया है कि शिक्षा विभाग का पत्र आया है, अब आयोग इस पर निर्णय लेगा। इसके साथ ही आयोग की तरफ से बीपीएससी ने 26 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर आवासन की व्यवस्था करने को कहा है। आयोग की तरफ से नई संशोधित परीक्षा तिथि 27 से 30 जून तक एकल पाली में संभावित है। ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर की जा रही अवैध वसूली, परिवहन विभाग ने दिए सख्त निर्देश। बिहार के भागलपुर में ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए कई गैर मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल एक्टिव हैं, जो ड्राइविंग की ट्रेनिंग के साथ ही डीएल दिलवाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, जबकि पूरे भागलपुर जिले में 3 ही मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर उपलब्ध है। दरअसल 1 जून को मोर्थ ने डीएल को लेकर यह निर्देश जारी किए थे कि मान्यता प्राप्त डीएल ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र से आवेदन करने वाले व्यक्तियों को टेस्ट में रियायत दी जाएगी। साथ ही संबंधित विभाग को डीएल जारी करने से पहले जांच करने के भी आदेश दिए थे, और साथ ही राज्य परिवहन आयुक्त ने पूरे बिहार में यह निर्देश दिया था कि डीएल आरटीओ के माध्यम से ही बनेगा।
अगस्त के पहले हफ्ते में बिहार के कॉलेजों में नए सत्र की पढ़ाई हो जाएगी शुरू। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की क्लासेस अगस्त के पहले सप्ताह में हर हाल में आरंभ हो जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा आवश्यक प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जून के मध्य तक CUET UG 2024 का परिणाम जारी करेगा, जिसके बाद विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। बता दें कि करीब 261 यूनिवर्सिटीज CUET UG 2024 की मेधा सूची के आधार पर स्नातक स्तर के विभिन्न कोर्स में नामांकन देंगे। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र खेल में अपना परचम लहरा रहे हैं। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी के छात्र जाबिर अंसारी ने नेपाल में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम करके देश का मान बढ़ाया है। जाबिर ने कुमिते इवेंट में 75 किलोग्राम कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें कि 7 देशों के खिलाड़ियों ने इस खेल में हिस्सा लिया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल शामिल थे। भ्रष्टाचारियों और माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, नीतीश सरकार का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ, तो वहीं चुनाव के नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार काबिज होने जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार ने भी राज्य के भ्रष्टाचारियों और माफियाओं पर कार्रवाई करने का एक्शन प्लान तैयार किया है। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार में अराजकता लाने वाले और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राजद के लोग जो सत्ता में आकर गड़बड़ी किए हैं, उन पर कानून की दबिश अब बढ़ जाएगी। करोड़ों की लागत से बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भागलपुर में करवा रहा कटाव निरोधक कार्य। 2 ठेकेदारों की मदद से लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर बाढ़ नियंत्रण कार्यालय नवगछिया द्वारा इस्माइलपुर से बिंद टोली के बीच कटाव निरोधक कार्य शुरू करवाया गया है। 30 मई तक बाढ़ कैलेंडर के अनुसार कटाव निरोधक कार्य पूरा कर लिया जाना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो जाने के कारण कार्य में विलंब हुआ, जिसके पश्चात अब चुनाव आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद अब कटाव निरोधक कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है, जिसे पूरा करने की तारीख 30 जून निर्धारित की गई है। बिहार BED प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का आखिरी मौका, ऐसे करें आवेदन। BED प्रवेश परीक्षा के आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। बिहार BED CET 2024 में भाग लेने की सोच रहे अभ्यर्थियों को जल्द ही आवेदन शुल्क के साथ साथ लेट फीस का भुगतान करके आवेदन फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि लेट फीस के साथ आवेदन करने की आखिरी तिथि 4 जून यानी कि कल तक ही है। बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से BED संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का विंडो जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bihar.cet.bed-lnmu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मतगणना को लेकर बदला राजधानी पटना का ट्रैफिक रूट। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और मतगणना कल यानी 4 जून को सुबह 8 बजे से होनी है। राजधानी पटना के 2 लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र और पटना साहिब का मतगणना AN कॉलेज में की जाएगी, जिस वजह से ट्रैफिक रूटों में बदलाव किया गया है। मतगणना के दौरान बोरिंग रोड को पूरी तरह से सील किया जाएगा और इस रास्ते पर गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मीडिया के OV वैन AN कॉलेज के बाहर सड़क के किनारे पार्क रहेंगे, जबकि पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के वाहन बोरिंग रोड में तपस्या मोड़ तक जा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों को सिखाया जा रहा सर्पदंश का इलाज। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के पश्चात आने वाली बरसात के दिनों में सांप और कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सकों को सर्पदंश की घटना के बाद अस्पताल आने वाले पीड़ित का उपचार कैसे करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में सभी जिला अस्पताल से एक एक डॉक्टर और एपिडेमोलॉजिस्ट को प्रशिक्षण दिया गया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के डॉक्टर अमित बालाचंद्रन, डॉक्टर अजित सेवाले व चेन्नई की डॉक्टर ज्ञानेश्वर द्वारा चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया।
लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री नीतीश, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के पश्चात सीएम नीतीश 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। कल 2 जून को वे दिल्ली पहुंचे। वहीं आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास में चली दोनों नेताओं की बैठक करीब 20 मिनट तक चली, जहाँ कई मुद्दों पर चर्चा की गयी। वहीं इसके बाद शाम 4 बजे सीएम नीतीश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। हालांकि अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई, मगर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि आज सीएम नीतीश बिहार लौट जाएंगे। एग्जिट पोल पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, लोगों से की खास अपील। चुनाव खत्म होने के बाद तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों द्वारा चुनाव के नतीजे पर जारी किए गए एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों को अपना वक्त इन बातों और विश्लेषणों पर बर्बाद न करने की सलाह दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, अगली बार चुनाव और राजनीति पर बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकारों, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत कीजिए। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर दावा करते हुए कहा था कि इस बार बीजेपी को 303 या उससे कुछ अधिक सीटें मिल सकती हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं अब जब तमाम चैनलों द्वारा प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, तब उन्होंने लोगों से चुनावी विश्लेषण न सुनने का आग्रह किया है। दिवंगत पिता को याद कर भावुक हुए हरभजन सिंह, पुराने दिनों को किया याद। शिखर धवन के नए शो धवन करेंगे में भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने हाल ही में शिरकत की थी। इस दौरान भज्जी ने अपने बचपन की यादों को ताजा किया। भज्जी ने कहा कि एक पिता के रूप में मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे इंसान बने और आगे वे क्या बनना चाहते हैं ये उनकी पसंद पर निर्भर करता है। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके दिवंगत पिता ने ही उन्हें एक आदर्श पिता बनने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पिता मुझे सफल होते देखना और अपना नाम कमाते देखना चाहते थे, मगर आज जब मैंने अपनी पहचान बना ली है तो वो इसका गवाह बनने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश सिंधे, वेद प्रकाश सिंह, महिमा मनोज यादव, अरविंद कुमार, नवल किशोर झा, मोहम्मद साकिर हुसैन, पंकज कुमार, राजकिशोर महतो, राम बापूदास, नंद कुमार सिंह, रवि कुमार, राजीव कुमार, गोनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।